चौथ की पूजा के लिए रेडी और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ पूजन के लिए, तो मेरी सारी तैयारी हो गई है। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो, ये मैं पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। ये मुझे करवा चौथ के पहले ही सानू ने गिफ्ट कर दी है, और ताकि मैं इसका ब्लाउज रेडी करवा सकूँ और इसे पूजन में पहन सकूँ। तो बताइएगा कैसी लग रही है। जहाँ मुझे पूजा करनी है वहाँ मैं कॉलोनी में आ गई हूँ और मैं यहीं आती हूँ पूजा करने के लिए। और सब लोग यहाँ मिलना जुलना भी हो जाता है, पूजा भी हो जाती है। और अब मैं लगाऊंगी अलता। घर पे लगाने का सोचा था बट टाइम ही नहीं मिल पाया था मुझे, लेकिन नहीं अब मैं लगा लेती हूँ अलता। बहुत ज़रूरी होता है पूजन में और मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ, बट चलो ठीक है अब लगा लेते हैं अलता। लगाना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे लगते हैं पैर, रेड साड़ी रेड अलता। और यहाँ पर पूजा की भी तैयारी कर रही हैं दीदी, और बस 7:15 तक हम लोग पूजा कर लेंगे। ऑफिस से भी काफ़ी लेट हो गई थी मैं, तो रेडी होने में भी मुझे टाइम लग गया क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। और पूजा की थाली भी रेडी हो गई है, और उसके बाद बस अब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। मैं इस साइड बैठी हूँ इसलिए देख नहीं रही हूँ, देखूँगी थोड़ी थोड़ी आपको वीडियो में। चंद्रमा निकल गया है आप लोग देख सकते हो, और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। और मुझे लग रही है बहुत सारी प्यास और भूख भी लग रही है, तो बस अब चंद्रमा की भी पूजा करते हैं और सानू की भी, है ना। पूजा हो गई है, और पूजा होने के बाद अब सानू मुझे लेने आ गई थी तो मैं घर आ गई हूँ। बाल बाल भी बांध लिए भाई, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, ठंड है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही ऑफिस से इतनी ज़्यादा लेट आई थी और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कुछ भी क्या नहीं बनाया, वैसे भी हम लोग हर साल रेस्टोरेंट ही जाते हैं और सानू ने बोला था कि बाहर ही जाएंगे, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और चांद निकल गया है फाइनली, तो पूजा मैंने कर ली है और बस अब हम लोग जा रहे हैं।